आप देख रहे हैं वेस्टेड न्यूज़। वेस्टेड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। मेरठ वार्ड 80 से फातिमा अंसारी मरहूम जुबैर की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। पार्षद पद के लिए उन्हें आम आदमी से टिकट मिला है। बताते चलें, मरहूम जुबैर अंसारी की बीवी फातिमा अंसारी चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं आम आदमी पार्टी से। अपना नाम बता दीजिए पहले सबसे पहले। मेरा नाम है फातिमा अंसारी। कौन से वार्ड से आप? नंबर 80। वार्ड नंबर 80 से चुनाव लड़ रही हूँ। पार्षद पे चुनाव जी? पार्षद। तो राजनीति से आप कब से जुड़ी हैं? जी 5 साल पहले मेरे शोहर उठे थे MI पार्टी से। तो जब से जुड़ी भी हूँ, मतलब जो लेडीज वार्ड की हैं जितनी भी मेरे पास ही आती हैं, जो कुछ काम है मेरे पास, मतलब कुछ भी काम है मेरे पास आती है। समाज सेवा से जुड़ी हुई? हाँ, पहले से। तो आपने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया? जी, अब मैं ये इसलिए लिया है कि मुझे अच्छा लगता है। देखो, मैं चाहती हूँ कि मैं चुनाव लड़ूँ। आज जो बेचारे जो गरीब है, जिनके पास जो होना चाहिए वो कुछ भी नहीं पहुँच पाता। जब बहुतों की जब पिल्शन है गरीबों की, और जो बेवाएँ हैं उनकी पेंशन है, और जिनके टूटे फूटे मकान हैं जिनके नहीं बन पाते, और जिनकी लड़की, मैं वार्ड में जाती हूँ कुछ ऐसी लड़की भी देखी जिनकी उम्र इतनी हो चुकी है, उनकी शादी भी नहीं हो पाई है। जो गरीबों की जो मदद है मैं वो करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा सब जगह जाके, मुझे खुशी भी मिली है। देखो, सबने मुझे सिर पर हाथ रख के मेरे लिए दुआ भी कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा सब जगह जाके। तो इस तरह से कोई भी प्रत्याशी चुनाव में खड़ा होता है तो उसको पूरी वार्ड की समस्याओं पर पता होता है। क्या क्या वार्ड की सफाई से गली की सफाई, नाली की सफाई, लाइट है, पानी की समस्या है, बहुत सारी ऐसी है जो मतलब ये मैं वंचित है। हाँ, वंचित। तो ये चाहती हूँ मैं सब कुछ करूँगी जिम्मेदारी से। अच्छा, आपको नहीं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, वार्ड का क्या फाका है, यहाँ पर शिक्षा की क्या व्यवस्था है? क्या नाम है? सरकारी स्कूल ठीक ठाक चल रहा है या है? लेकिन दूर है। शादी देखो कुछ कमी रह गई है। पहले मेरे शोहर इलेक्शन में उठे थे तो इसमें जो है ये कन्या पॉलिस है, यहाँ पे गद्दे बड्डे डलवाए, बहुत मतलब मदद करी थी कितना करने लोगों की तरफ से, अच्छा मतलब वो करा था। तो मैं ये चाहती कि मैं भी करूँगा और आगे विकास करना। हाँ, विकास करना चाहती हूँ अच्छी तरह से। कौन सी पार्टी से आप उम्मीद पा रहे हैं? मैं वो आम आदमी पार्टी जो केसरी बात है। अच्छा। बहुत अच्छी पार्टी है, देखो बहुत मदद करती है वाली पार्टी, सबको पता। देखो इस पार्टी के बारे में दिल्ली में कितनी अच्छी तरह से चलती है पार्टी। तो इसी वजह से आप आम आदमी पार्टी? जी, मैंने इसलिए ये पार्टी चुनी। नहीं तो देखो पार्टी तो देखो मेरे शोहर भी थे MI पार्टी से, लेकिन देखो सारे वादे करता है। आप वार्ड से जीतने के बाद लोगों को सुविधाएं मुहैया कराओगी या ऐसा तो नहीं कि आप ही वादे कर रही हैं, वादे करके बता दो? नहीं नहीं, देखो मैं वादा कर रही हूँ और करूँगी इस काम को, मैं बिल्कुल करूँगी। अगर मैं वादा कर रही करूँगी तो मैं उस काम को करके भी दिखाऊंगी। जनता का आपको किस तरह सपोर्ट मिला है? जनता को देखो बढ़िया सपोर्ट, जहाँ जहाँ जा रही हूँ सभी कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ सपोर्ट। अच्छा, अगर आप एक अपील करना चाहें अपने वोटर्स से तो आप क्या कहना चाहेंगे? लोग आपको क्यों चुने? चुने क्योंकि है ना, मेरे जो शोहर थे उनके चाहने वाले पूरे वार्ड में बहुत है ऐसे जो उन्हें आज भी उनकी वे दुनिया बनेंगे, लेकिन सबके दिलों में आज भी ऐसी ही है जैसे वे चिंता है। इसलिए घर घर जाती हूँ, कुछ लेडीज ऐसी भी हैं जो मुझे देख के रोती हैं जी, उनकी इतनी इतनी मदद
मतलब इतने चाहने वाले हैं यहाँ पे, वार्ड के अंदर भी, वार्ड के बाहर भी हैं, ऐसे वार्ड के अंदर भी बहुत ही हैं जो मेरे शोहर की आज भी करते हैं। आप बेहतर ये चाहती हूँ कि मैं उनको जो उनकी ख्वाहिश थी जो नहीं कर पाए तो वो मैं करूँ।